अगर दोस्तों आपका चैनल भी मोनेटाइज नहीं हुआ है तो इस वीडियो को पूरा देखना हाथ जोड़ के विनती है, क्योंकि दोस्तों अगर आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आप लोग आगे चल के बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस सकते हैं। अगर दोस्तों आपका चैनल मोनेटाइज नहीं है तो यहाँ पर दोस्तों मैं आपको एक मतलब लाइव प्रूफ इस वीडियो में दिखाने वाली हूँ कि आपको वहां से क्या क्या आपको गलतियां नहीं करनी है, क्या आप अगर गलतियां करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। दोस्तों अभी 2022 में यूट्यूब चैनल को मोनेटाइज करा लेना गंगा नहाने के बराबर हो गया है, क्योंकि दोस्तों यहाँ पे क्या है, अगर आपका चैनल 4000 घंटे 1000 सब्सक्राइबर पूरे कर लेते हैं फिर भी दोस्तों काफी लोग ऐसे हैं जिसका दोस्तों मतलब चैनल मोनेटाइज ही नहीं होता है। किसी के पे रियूज कंटेंट आ जाता है, किसी के पे मतलब जो आपका 2 स्टेप वेरिफिकेशन होता है वो कंप्लीट ही नहीं होता है, तो आपका चैनल रिव्यू में कैसे जाएगा और आप अपने यूट्यूब चैनल से पैसा कैसे कमाएंगे। तो यहाँ पर दोस्तों आज की वीडियो में फुल डिटेल आपको बताने वाली हूँ कि आपको आखिर कौन सी गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहले तो दोस्तों आप यहाँ पे एक स्क्रीनशॉट देखो दोस्तों, यहाँ पे ये भाई है, इन्होंने दोस्तों अपने चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर 4000 घंटे का वॉच टाइम पूरा कर लिया। ठीक है, पूरा करने के बाद दोस्तों इन्होंने भेजा अपने चैनल को मोनेटाइजेशन के लिए, ठीक है, अप्लाई कर दिया। उसके बाद दोस्तों इनके चैनल पे आता है रियूज कंटेंट, मतलब रियूज कंटेंट क्यों आया, काफी लोग तो ऐसे भी होते हैं जो किसी का भी कंटेंट यूज नहीं करते फिर भी उनके चैनल पे रियूज कंटेंट आ जाता है। और फिर दोस्तों उसके बाद हमें एक टाइम पीरियड दिया जाता है कि इतने दिन बाद आप अप्लाई कर सकते हो दोबारा से, मतलब तुरंत आप अप्लाई भी नहीं कर सकते हो, आपका मतलब चाहे कितना भी अब आपका कंटेंट हो अगर आपके पे रियूज कंटेंट आ गया तो आपको एक डेट दी जाएगी कि आप इस डेट के बाद ही मतलब रीअप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर दोस्तों इन भाई ने क्या गलती की थी जिससे इनका चैनल मोनेटाइज नहीं हुआ, ना इनका चैनल मोनेटाइज होगा, तो गाइस वो गलतियां आपको नहीं करनी है। इन्होंने दोस्तों क्या किया है, इन्होंने मतलब मोटिवेशनल वीडियो बनाई है, ठीक है, मोटिवेशनल वीडियो बनाई है या इनका कोई सा भी कंटेंट है, तो यहाँ पर दोस्तों इन्होंने क्या किया है, इन्होंने वहाँ में अपनी आवाज़ डाली है, ठीक है, अपनी आवाज़ डाली है, फोटो डाले हैं और मतलब शायद थोड़ी मतलब बैकग्राउंड में वीडियो वगैरह डाली है, तो वो दोस्तों जो इमेजेस हैं, ठीक है, इन्होंने किसी की वीडियो डाउनलोड करके नहीं डाली है, इन्होंने क्या किया है डायरेक्ट गूगल से इन्होंने फोटो लिए है। गूगल से फोटो दोस्तों लेने के बाद दोस्तों इन्होंने उस वीडियो में जोड़ जोड़ के वो फोटो को एक वीडियो मोटिवेशनल वाली तैयार कर दी और उसमें अपनी आवाज़ है वो डाल दी है। तो गाइज हुआ क्या है, इनके चैनल पर रियूज कॉन्टेंट आ गया है। अब ये रियूज कॉन्टेंट क्यों आया, क्योंकि दोस्तों इन्होंने क्या किया गूगल से इमेजेस को डाउनलोड करके अपनी वीडियो के अंदर लगाया। अब दोस्तों इन्होंने इतनी मेहनत की, 1000 सब्सक्राइबर पूरे किए, 4000 घंटे का ही वॉच टाइम पूरा किया, फिर भी इनका चैनल है वो मोनेटाइज नहीं होगा। अब दोस्तों क्यों नहीं होगा, क्योंकि दोस्तों इन्होंने अपना कंटेंट बना के नहीं डाला है, केवल इन्होंने उसमें अपनी आवाज़ डाली है। काफ़ी लोगों का मेरे पास क्वेश्चन आता है कि क्या वॉइस ओवर वाले चैनल में मोनेटाइज हो जाएंगे, भाई हो जाएंगे, पर आपका जो रियल कंटेंट होता है वही मोनेटाइज होगा। अगर आप कहीं से उठा के किसी के फोटो है या आपकी वीडियो है अगर वो दोस्तों उठा के अगर आप अपनी वीडियो में मिक्स करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। यहाँ पे दोस्तों केवल आपने आवाज़ ही तो दी है, आवाज़ दी है तो आवाज़ से तो आपका चैनल मोनेटाइज होने वाला नहीं है। आपने फोटो दूसरे के यूज़ किए, ठीक है, बैकग्राउंड में जो वीडियो वगैरह होगी हल्की फुल्की वो भी इन्होंने मतलब दूसरे की उठा के डाली है, तो इनका चैनल कैसे मोनेटाइज होगा। अब इनके चैनल पे आ गया है रियूज कंटेंट, अब इनका चैनल हो गया बर्बाद, अब इस पे कुछ होने वाला नहीं है। अब इनको क्या करना होगा, बहुत सारी वीडियो डिलीट करके इनको 1000 सब्सक्राइबर और 4000 घंटे का वॉच टाइम फिर से पूरा करना होगा। 1000 सब्सक्राइबर तो चलो जुड़ जाएंगे, पर दोस्तों जो इनका 4000 घंटे का वॉच टाइम है वो इनको फिर से पूरा करना पड़ेगा। तो बताइए कितनी गलत बात है यहाँ पे। आप लोग क्या करते हैं, चैनल खोल तो लेते हैं पर दोस्तों चैनल खोलने के बाद आपको ये नहीं पता होता है कि हमें अपने YouTube चैनल पे क्या डालना चाहिए, आखिर क्या नहीं डालना चाहिए। और दोस्तों काफ़ी लोग तो मेरे पास ये कमेंट करते हैं कि सरिता जी हमने अपने सारी वीडियो में सेम टाइटल डाल दिया, क्या कोई दिक्कत तो नहीं होगी। भाई क्यों नहीं होगी, उस पर भी रियूज कॉन्टेंट आएगा, क्योंकि आपने दोस्तों वो कीवर्ड है वो बार बार अपनी वीडियो में यूज़ किए हैं। अगर बार बार आप यूज़ करते हो तो दोस्तों वो गलत हो जाता है, ठीक है, उस पर आपका क्या होता है वो आपका इनवैलिड होता है, वो आपका सही नहीं होता, आपका वो इलीगल माना जाता है, यूट्यूब आपके चैनल को मोनेटाइज नहीं करता है। अगर आप एक ही टाइटल को बार बार अपनी वीडियोस के अंदर यूज़ करते हैं तो आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा, ये भी आपको याद रखना है। जैसे कि मान लीजिए आपकी एक वीडियो एक टाइटल पर आपकी वीडियो एक वायरल हो गई, ठीक है, तो आप सोचेंगे मैं 3-4 वीडियो 5 वीडियो और बना दूँ इसी टाइटल पे, वो भी वायरल हो जाएंगे, तो दोस्तों आपके चैनल पे बहुत बड़ा इफेक्ट पड़ेगा, आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होगा। अगर आपका चैनल मोनेटाइज हो भी गया है तो आपका मोनेटाइजेशन मतलब डिसेबल कर दिया जाएगा। तो इतना आपको याद रखना है भाई, रियूज कॉन्टेंट का अभी बहुत ही ज़्यादा इशू चल रहा है यूट्यूब पर, और रियूज कॉन्टेंट इसीलिए आ रहा है कि आप लोग दूसरे का या तो कुछ डाउनलोड करके लगा देते हैं, कहीं कुछ डाउनलोड कर लेते हैं, कहीं वॉइस ओवर वाला चैनल बना लेते हैं, कहीं कुछ कर लेते हैं। अब दोस्तों हमारा फेस कैम वाला है, ठीक है, अब फेस कैम वाला वीडियो वो दोस्तों उस पे चाहे हम दूसरे की वीडियो भी बैकग्राउंड में यूज कर लेंगे ना,
तब भी दोस्तों वो चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि इसमें हमने अपनी फेस वैल्यू दिखाई है और यहाँ पे हमने केवल उस वीडियो को टारगेट किया है कि हमने इस वीडियो को टारगेट किया है, इस वीडियो को हमने अपनी फेस वैल्यू के साथ लगाया कि हमने एक पर्पस के साथ लगाया कि आखिर हमने इस वीडियो को क्यों यूज़ किया है। अगर आप बिना किसी पर्पस के, बिना किसी फेस के आप ऐसे ही वीडियो किसी की या फोटो उठा के लगा लेते हैं तो आपका चैनल कभी भी मोनेटाइज नहीं होगा। ये आपको हमेशा से याद रखना है। और दोस्तों यहाँ पे ये भाई बहुत ज़्यादा परेशान है, इन्होंने मुझसे इंस्टाग्राम पे बात की थी तो मैंने इनको बताया था कि आपके चैनल पे रील्स कंटेंट आया है क्योंकि आपने जो इमेजेस वगैरह हैं वो डाउनलोड करके अपने चैनल पे लगा लिए हैं। ठीक है, तो दोस्तों इससे आपका चैनल मोनेटाइज नहीं होता है, इसीलिए अभी थोड़े टाइम पहले एक अपडेट आई थी कि स्टेटस चैनल मोनेटाइज नहीं होंगे क्योंकि उसमें क्या करते हैं ज़्यादातर लोग, मतलब या तो स्टेटस का जो फोटो होता है, वीडियो होता है, वो सब डाउनलोड करके अपने चैनल पे डालते हैं तो इससे उनका चैनल भी मोनेटाइज नहीं होगा। तो आई होप दोस्तों आपको ये गलती नहीं करनी है, टाइटल को रिपीट करके बार बार नहीं लगाना है, टैग को रिपीट करके बार बार नहीं लगाना, नहीं तो आपका चैनल डिसेबल भी हो सकता है और आपके चैनल का मोनेटाइजेशन भी डिसेबल हो जाता है या आपके चैनल पर रिव्यूज कॉन्टेंट भी आ जाएगा। तो आई होप आप लोग समझ गए होंगे क्योंकि ये जो अभी चल रहा है ना यूट्यूब पे, अभी 2022 में यूट्यूब चैनल मोनेटाइज कराना जितना मुश्किल है ना, उतना कभी था भी नहीं, लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आगे चल के इतनी ज़्यादा पॉलिसी आ जाएंगी। तो आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई हो, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना। तब तक के टेक केयर एंड बाय बाय।